सो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्मैक ब्लॉग। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमने इंट्रो में इतनी प्रयोग शुद्ध हिंदी का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं स्पीकिंग हिंदी फॉर 24 आवर्स। निश्चय रूप से खाते हुए आप क्या काट रहे हैं सिमर? खीरा नहीं, खीरा नहीं, गाजर नहीं, इसको क्या कहते हैं? थप्पड़ मार, थप्पड़ मार। तूने क वाला वर्ड क्यों बोला? मार थप्पड़। क्या क बोला तूने? कैरेट। हिंदी बोल। नहीं नहीं, तुम क्या काट रहे हो अभी? सलाद। सलाद ही सलाद, कुछ और होता है? सैलेड इंग्लिश वर्ड है। गोभी, खीरा, इसे क्या बोलते हैं? चुकंदर। नहीं चुकंदर, हम काटते हैं अन्य अन्य प्रकार की सब्जियां। अन्य अन्य सब्जियां। सैलेड बोला तूने पहले, सबसे पहले था उसका थप्पड़ चाहिए। इसको करेक्ट कह रहे हो? इतने आराम से नहीं। एक और तूने सैलेड कही थी। नहीं, मैंने सैलेड नहीं कही थी यार। अब कह दी आपने? नहीं नहीं, मैं तो तुझे वो दे रही ना। अब बड़ी आराम से लगा इसी बार ये पर। चलो लगा। अच्छा, आप बताओ क्या कहते हैं इन कटी हुई सब्जियों को? इन कटी हुई सब्जियों को कहते हैं कटी हुई सब्जियां। सो इसी प्रक्रिया के साथ देखा जाएगा कि ये क्या हमारी कटी हुई सब्जियां ने हमारा हाथ लाल कर दिया है, क्योंकि ये है चुचुंदर। चुचुंदर, चुचुंदर कहते हैं। चुचुंदर, चुचुंदर काट के खाएंगे या ऐसे शोफीस है? खाएंगे और शोफीस में मतलब ब्रोकली। ये देखो ब्रोकली का क्या कर रखा है, वो हमने गर्म पानी में रखी हुई है। ये इतनी सी कटी सी दो तीन कौन? अरे वो हमने गर्म पानी में। थप्पड़ क्यों? थप्पड़ क्यों? क्या इंग्लिश वर्ड है वो? तूने इंग्लिश बोला, वो भी इंग्लिश ही है। अंग्रेजी बोल पहले आप। अंग्रेजी पहले आप। क्या मारो? मैंने क्या कहा? क्या बोलते हैं इसे फिर? क्या बोलते हैं? ब्रोकर। हिंदी में ये नहीं कहते, इतना बता। इसे कहते हैं हिंदी में, कहते हैं इसे, इसे कहते हैं हरी गोभी, पूरी वाली हरी गोभी। एक तू तो बो मार लगा यार, मैं थप्पड़ मारती रह जाऊंगी पूरी जिंदगी। ये तो गलत है वैसे। चलो गाइस, वैसे हम मतलब आदत हमारी है कि इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बोलते हैं। हाँ, हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स बोलते हैं, कभी भी प्रॉपर इंग्लिश नहीं, प्रॉपर हिंदी नहीं। प्रॉपर इंग्लिश, प्रॉपर हिंदी वही नहीं यार, ये तो भी एक मिनट भी नहीं हुआ यार, अभी एक मिनट भी नहीं हुआ। हेलो, करो क्या? मारो थप्पड़। और क्या हो गया? तीन मार लेते। तीन क्यों? अंग्रेजी शब्द भी तो बोला था। अंग्रेजी शब्द नहीं बोला, अंग्रेजी शब्द नहीं था वो। वो तो अंग्रेजी था, तो अंग्रेजी था। थप्पड़ मारो आपने। हाँ बस, मैं एक और मार लेती हूँ, मैं आगे भी मिस्टेक कर सकती हूँ। और मैं पूरी लाइफ के लिए मारती हूँ। अब मैं थप्पड़ नहीं मारूंगी पूरे चैनल में, मेरा कोटा पूरा हो गया। भाइयों और बहनों और हमारे दोस्तों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम अपना जो ये चैलेंज है बहुत ही बाखूबी निभा रहे हैं। ओ मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, मुझे पता है, मैंने बहुत, मेरे 99% आए थे हिंदी, पता है, पढ़ी भी थी, हाई लेवल की हिंदी है, टॉप मारा था मैंने नीचे से। सो गाइज, अभी हम दोस्तों, भाइयों, बहनों वहाँ पे क्या नहीं, क्या भाई, क्या क्या बोल रही हूँ मैं? मेरी बस की नहीं, हिंदी पूरी बोल रहा पूरे दिन। मेरे बस की तो है, हमारी मातृभाषा है, तो अपनी हिंदी बोल गया। पर नहीं आती तो है, पर इतने डीपली वर्ड नहीं आते ना इंग्लिश। डीपली आपने बहन जी, बहन जी चाटा खाए। ओके, आई लव दा, 1 2 3 आई लव दा। चलो गाइस, हम यहाँ पर आपको दिखाने आए थे। यहाँ पे हमारा फार्म हाउस है। फार्म हाउस मतलब पता है क्या होता है ना मुझे? फार्म हाउस दो थप्पड़। खेती का घर है। नहीं, हमने दो थप्पड़ इतनी डांस से नहीं। सो गाइस, ये खेती का घर नहीं है हमारा, सिर्फ गार्डन है, जहाँ पे अपने थोड़ी गार्डन बगीचा है हमारा। मैं आपको दिखाती हूँ जिनको थप्पड़ पड़ेगा इस टाइम पे। ये बाल नहीं चाहिए। हाँ, नाइस वन। गाइस, तो ये हमारा बगीचा है जहाँ पे हमने भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं लगाई हैं। नहीं, सब्जियां।
वस्तुएं नहीं सब सब सब्जियां लगाई है, सब सब्जियां लगाई है। हमारा एक चीज हो भी गई, हमने यहाँ पे इसको फेंक दिया, हमने यहाँ पे इसको हमने नहीं तोड़ा वो ऑलरेडी था, बट मम्मी को लगेगा हमने करा, उन्हें लग रहा है कि हम तोड़े हैं, तो हम बचने के लिए उसे वहाँ डाल देंगे। और यहाँ पे हमने कद्दू वगैरह उगाए हैं, ये कद्दू है, ये भी कद्दू है, और यहाँ भी कद्दू लगे हुए हैं, और ये फूल है जिनमें से निकलेगा कद्दू, और ये वो है लौकी, और वहाँ है लौकी जिसको लौकी कहते हैं, वो अंदर छुपी हुई है। और ये है बनाना, हेलो बनाना जी, जिंदगी बर्बाद हो गया, इनको आती ही नहीं है, मुझे नहीं है। तो समझाओ यार, थप्पड़ थप्पड़ मैं नहीं अच्छा मेरा बनाएगी, मेरा बनाएगी। सो गाइज अभी हम रोड पे जाएंगे, ब्रॉडवे थोड़ी देर में, अभी पापा और कुछ काम कर रहे हैं। वे बोला आपने, और गाइज वे बोला क्या, वे रोड ब्रॉडवे वो नाम है जगह का। सो गाइज ब्रॉडवे इज आल्सो कॉल्ड एज, गाइज बोला दीदी ने, सो गाइज बोला, सो कॉल्ड एज बोला तूने। सो गाइज उसके थप्पड़ भी बाद में, पहले इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। जो ब्रॉडवे है वो मिनी पंजाब कहा जाता है यहाँ पे, और आज हम आपको साउथ हॉल में, क्योंकि यहाँ पे मिनी छोटा पंजाब यार, वो नाम है यार, चैलेंज बात है, सही तो तेरे, तू मार पहले, मैं फिर मार, मैंने दो मार ली, नहीं एक और मार, ठीक है। वो छोटा छोटू पंजाब है जो हम कह सकते हैं, हम आपको वो दिखाएंगे। और गाइज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक शेयर नहीं किया है, तो करिए प्लीज गाइज, लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, चैनल को शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब बटन कितनी बार बोलोगे। और गाइज यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ जाएगा, प्लीज उस बेल, उसके साथ चिपकी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप अगर कोई भी वीडियो आए तो आप मैंने बोला है बेल आइकन घंटी घंटी बजाइए, तो मैं ये बोलती हूँ, ये कहना चाहती हूँ। हम सबके बहुत थप्पड़ लग चुके हैं, मैं मर जाऊंगी भगवान, मर जाऊंगा भगवान, बचाओ मेरी मम्मी मेरी बाल। चलो एक और मारो, तू मारो, मार लिया एक और। गाइस हमारी ना थप्पड़ खा के गाले टाइट हो चुकी है, बेचारी इसकी सॉफ्ट थी वो भी टाइट हो चुकी है, इसके सारे थप्पड़ नहीं लगे, चल दो चार पांच फ्री के थप्पड़ मार ले। आई एम नॉट मेंटल। चलो ठीक है गाइस, अभी हम आपको मिलते हैं जब हम थोड़ी देर मिलिए, तब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को जब तक की। और गाइस इंपॉर्टेंट चीज, विंसर का एक हमारा जो व्लॉग आया है उसको जाके सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे नहीं, उसमें लाइक कीजिए, और उसका जो वो जो चैनल है उसका जो लिंक होता है लीले कलर का, और वो नीचे डाउनलोड में आ जाएगा, तो वहां जाके उसको देख लेना, नहीं तो आप चैनल से डायरेक्टली जा सकते हो। हम आपको मिलते थोड़ी देर में लिए, टिल देन स्टे सेफ, टिल देन हेल्दी, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, टिल देन स्टे सेफ, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी। हो सो गाइस आप तब तक के लिए घर पे सुरक्षित रहिए, अपने हाथ धोते रहिए, अपने हाथों को सैनिटाइजर करते रहिए, और COVID-19 की वजह से अपने घर पे रहिए। यहाँ पे तो गंदे ने बहुत ज्यादा बकवास मार दी है, जाएंगे तो अब हम आपको मिलते हैं देर में। गाइस चंद मिनटों के बाद हम जा रहे हैं ब्रॉडवे, और सेफ्टी तो मैं कह नहीं सकती क्योंकि मैंने नहीं लगाया मास्क, क्योंकि अभी हम रोड पे हैं, सो हाथ में है। गाइस ये क्वालिटी फूड है, इंडियन स्टोर है, इंडिया का मिलता है यहाँ पे सब कुछ, और क्या, और ये देखो ये वाला स्टोर, ये वाला इंडियन स्टोर है, आगे वहाँ पे भी। गाइस ये देखो यहाँ पर ये सूट, इंडियन सूट की भी दुकानें हैं यहाँ पर बहुत सारी, और यहाँ पर जैसे राखी अभी हमारा आने वाला है, तो राखियाँ अभी यहाँ पे काफ़ी सारी हैं, मतलब मोस्टली दुकानों पे मिल जाएंगी आपको राखियाँ,
और जितने भी लोग आपको यहाँ पे दिखेंगे मोस्टली इंडियन ही हैं। और ये देखो कितने सही रास्ते हैं इंडिया जैसे। देखो गाइस हर एक दुकान पे, और आपको यहाँ पे कोई ब्रिटिशर कम ही मिलेगा। और ये देखो बसेस पुलिस वगैरह, यहाँ पे आपको कोई ब्रिटिशर कम ही मिलेगा। तो गाइज यहाँ पे हम किसी काम से आए थे ब्रॉडवे पे, तो हाँ, और साउथ टू ब्रॉडवे ना यहाँ पे इंडियंस मोस्ट मोशंस, यहाँ पे सारे के सारे एशियंस हैं, जैसे कि इंडियंस हैं मोस्टली, तो भारतीय हैं, इसीलिए थप्पड़ में घर जाके मारेंगे। बहुत एम्बेरसिंग है, बहुत लोग हैं यहाँ पे। और मैं आपको दिखा रहा आम का सीजन है, तो यहाँ पे आम मिलते हैं। वो है चौराहा इंडियन एक्सेंट में। और यहाँ पे ये जलेबी जंक्शन भी है, यहाँ पे जलेबी मिलती है, बहुत टेस्टी। या गाइस ये है साउथ पे, यहाँ पे बहुत सारी इंडियन शॉप्स हैं, इंडियन शॉप्स ही हैं और कुछ तो है नहीं, भारतीय दुकानें। ये थप्पड़ मार दो एक, जल्दी कर ले। चल सो गाइस यहाँ पे ये सब कुछ है, बसेस हैं एंड ऑल। और यहाँ पे मोस्टली इंडियन, इनको इतनी शर्म आ रही ना अभी, कमेंट में जरूर लिखना अगर आप चाहते हो पब्लिक इंडियर साइड, कमेंट में जरूर। और यहीं पर होगी इतनी भीड़ पे, बहुत भीड़ है, मुझे बहुत शर्म आ रही है वैसे भी। और यहाँ पे सब कुछ इंडियन अटायर्स है, सब एवरीथिंग। और यहाँ पे स्वीट कॉर्न्स है, यहाँ पे गोलगप्पे और चाट मिलता है इंडियन से, बाकी यहाँ पे मोमोज नहीं मिलते, बस यही मिलता है यहाँ पे। ये देखो इंडियन शॉप्स हैं एंड ब्लाबला एंड बहुत सारी गोलगप्पे, पीछे हैं गोलगप्पे की दुकान है, बहुत सारे हैं। ये सब कुछ है, और कुछ कहना चाहेंगी? कुछ नहीं, बकवास। यहाँ पे आइए, अगर आप यहाँ आए तो यहाँ जरूर आइए। अच्छा आपको यहाँ गाइस, अभी बिल्कुल धूप निकल रही थी, कुछ नहीं था, बारिश और अब देखो दिख रही होगी, अब ये दिख नहीं रही होगी पर बारिश हो रही है। ये देखो मेरा हाथ गीला हो रहा है, अरे यार देखो बारिश हो रही है, देखो दिख रही होगी आपको हल्की हल्की। सो ये देखो आवाज भी आ रही है, और गाइस एकदम से इतनी तेज बारिश आनी शुरू हो चुकी है, डांट पड़ रही है सिमरजीत सिंह को। सो गाइस अभी अगला दिन है, और मत कर यार यहाँ पे बारिश हो रही है पीछे। सो गाइस आज अगला दिन है, और हमने हमारा ये 24 आवर्स चैलेंज, 24 घंटे चैलेंज, ये हमारा पहला 24 आवर्स वाला चैलेंज था। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में ये जरूर बताना अगर आप चाहते हो हम ये करें स्पीकिंग ओनली इंग्लिश फॉर 24 आवर्स। सो गाइज दिस इज इट फॉर द वीडियो, होप यू गाइस एंजॉयड दिस वन, सी यू गाइस लेटर, बाय बाय।